तो दोनों का संगम जो है वहाँ पर होता है। तो मैंने भी बचपन यही गुजारा है, पहले बचपन में हमारी दुकान थी यहाँ देघाट हॉस्पिटल, ये देघाट हॉस्पिटल में तो नहीं क्या हॉस्पिटल उतरने को मन नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी सामान मेरे गाड़ी में पड़ा हुआ है, तो इसके वजह से। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल नोटिफिकेशन आई बेल घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो यह है देघाट का दृश्य और गाइज मैं आपको देघाट बाजार आपको दिखाऊंगा जरूर, लेकिन आज मैं गाड़ी में से उतरूंगा नहीं, चलते फिरते आपको दिखाऊंगा, फिर मैं निकलूंगा यहाँ से सीधा जरासी की तरफ, जैसे कि क्योंकि देर हो रही है और हमें खाना ही बनाना है। और आज हम रुकेंगे एक जरासी सेंटर पर जहाँ मैं पिछले साल रुका हुआ था जो ब्लॉक में, तो आज भी वही रुकूंगा। तो देघाट का मार्केट का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ खूबसूरत, और 2022 का पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ और 2021 में मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई थी और लोगों ने काफ़ी सराहा। तो ये है आप ये देघाट का सतह और ये है न्यू रोड जर्नी जरासी की। तो शायद ये पुल चालू हो चुका है और अभी थोड़ी देर में थोड़ा मार्केट होके आऊँगा तो मैं भी इसी पुल से आपको जरासी वाली रोड दिखाऊंगा दोबारा आज। तो चलते हैं, पहले थोड़ा मार्केट का नज़ारा दिखाता हूँ एक बार, फिर उसके बाद आते हैं आप यहाँ पे। तो दिन के समय ठीक 10 बज रहे हैं और हमें वहाँ से यहाँ आने तक 2 घंटा लग चुका है, जबकि 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन 2 घंटा लगने का कारण ये है कि हम रुकते हुए आए और वीडियो बनाते हुए आए, शूट करते हुए आए, तो फोटो खींचते हुए आए, तो इसकी वजह से मैं जो है वहाँ पर रुक गया, तभी टाइम लगा। और अभी बस थोड़ा मार्केट का नज़ारा आपको दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं जरासी को निकल जाऊँगा। गाड़ियाँ तो यही है देघाट बाज़ार और यह है मार्केट यहाँ पे और यह है फल की दुकान। तो साई फैशन तो काफ़ी बड़ा बाज़ार है और गाड़ी का घर है यहाँ पे, तो यहाँ पे गाड़ियाँ यहाँ रुकते हैं, अलग अलग दिशा को निकलते हैं, बुकिंग यहाँ से गाड़ियों को आपको मिलेगी। तो थोड़ा सा नज़ारा आपको और आगे दिखा के दिखाता हूँ। तो काफ़ी बड़ा बाज़ार है यहाँ पर देघाट का, गाड़ियाँ दिख रहे हैं आप यहाँ पर, बिल्कुल पार्किंग की भी जगह नहीं है, कुछ समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल ही गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। 2022 का पहला वीडियो बना रहा हूँ इस समय मैं देघाट बाज़ार का, और जैसा कि आप देख रहे हैं और ये हैं सारी रामनगर से जो बसें आई हैं, यहाँ पर रोडवेज भी आती है और देहरादून वाली बसें भी आती है, काफ़ी यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा आपको उपलब्ध होगी। तो गढ़वाल तक का यहाँ से सामान जाता है, यहाँ से सेंटर यही है देघाट। तो देघाट की मैं आपको पूरा मार्केट का एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ। तो मार्केट पहले ये थी,
गाड़ी जाते होंगे इसमें भी। ये भी एक मार्केट की दुकान है यहाँ पे, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक बाज़ार वहाँ का था और एक बाज़ार यहाँ भी है, तो इसको बोलते हैं पार बाज़ार और उसको बोलते हैं देघाट बाज़ार। तो दो बाज़ार है मार्केट, तो पुरानी मार्केट है ये देघाट की, आपको जो दिखा रहा हूँ ये वाली। तो यहाँ भी अभी तक दुकानें हैं, लेकिन कुछ दुकानें यहाँ से कुछ बंद हो गई हैं जो पुरानी हैं। तो क्योंकि सब उनका लोगों का आना जाना और रोड से हो गया है, तो इसीलिए अब ये मार्केट जो है बंद होने के कगार पर हो गई है। कुछ दुकानें अभी भी हैं जो यहाँ पर चल रही है। देघाट का जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल वाली रोड भी यही है, एक हॉस्पिटल ऊपर भी है, एक हॉस्पिटल शायद नीचे भी है। देख लिया कितना बड़ा बाजार मार्केट है यहाँ पे, देघाट हॉस्पिटल। ये देघाट हॉस्पिटल है पूरे? हाँ, तो आप हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हो गई यहाँ पे? आप लैब टेक्नीशियन वगैरह वगैरह सब है यहाँ पे? हैं उतना पूरा नहीं है, लेकिन किसी अगर हाथ फ्रैक्चर हो जाए वो सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। एक्सरे दिल्ली से एक्सरे वगैरह वगैरह। अच्छा अच्छा, तो एक हॉस्पिटल यहाँ पुराना वाला तो वो था ना, वो भी चालू होगा? थैंक यू वेरी मच। जो रांची की तरफ जाते हैं तो टू व्हीलर बिल्कुल ना लाएं यहाँ पे, ऐसे गाड़ी में आपको नज़ारा दिखाता हूँ। तो गाइज ये है वो पत्थर, और कहते हैं कि इस पत्थर के नीचे यहाँ पर भी एक पत्थर है, और इस पत्थर के नीचे रहता है बाघ। कहा था तो उसने अपने तंत्र विद्या से इस पत्थर के चार टुकड़े किए थे, तो इसलिए ये पत्थर बहुत बड़ा विशाल पत्थर है।